दोस्तों नमस्कार। अगर पे नियर बाय से आपको जुड़ा भी किसी प्रकार की समस्या है तो आप ये मेरा वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और मैंने अपना नंबर दे रहा हूँ। अगर किसी भी चीज़ों का जानकारी हमें चाहिए, पे नियर बाय से जुड़ा किसी भी समस्या से जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हो सके तो हमारे चैनल को आप यहाँ लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ऑल दबाइए। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करूँगा कि पे नियर बाय में जो भी संकट है क्या है और कैसे सॉल्व होगा। जो भी यहाँ प्रॉब्लम आप सभी को है और मेरे साथ भी है, ऐसा नहीं कि हम नहीं है और आप ही हो, हम सब है। पे नियर बाय के जो भी साथ में संकट हो रहा है, आइए जो भी जुड़ा इससे समस्या है और समाधान है हम आपको इस वीडियो में बता ही देता हूँ। देखिए सबसे पहला समस्या ये है कि 5 तारीख तक जब जो विड्रॉल हुआ था, ठीक ना, उससे पहले जो पैसा है सो, उसके बाद में जो पैसा विड्रॉ हुआ है 6 तारीख को 7 तारीख को सो, सब बता रहा हूँ। जैसे कल तक किसी का पैसा मूव नहीं हो रहा था लेकिन कल रात से मूव टू बैंक होना शुरू हो गया है, सभी लोगों का हुआ है। और हम आपको बता दूं कि किसी का ज़्यादा ज़्यादा पैसा है 1 लाख 1.5 लाख, तो उनको कुछ कुछ पैसा हुआ है मूव। जैसे कि 94,000 मेरा था तो 94,000 में 76,000 रुपया हो गया है, बाकी का पैसा नहीं हो रहा है, ठीक। दूसरा बात कि कुछ ऐसा लोगों का है जो कल विड्रॉल किए थे, यानी 7 तारीख को विड्रॉल किए थे और मूव टू बैंक कल मारे थे, तो उनका पैसा बैंक में नहीं गया और वॉलेट से कट गया और वहां लिखा आ रहा है कि इन प्रोग्रेस। जब आप बैंक में नहीं पैसा पहुंचा और आप वॉलेट चेक कर रहे हैं तो वॉलेट में अभी पैसा नहीं है। जब आप मनी ट्रांसफर रिपोर्ट चेक करते हैं तो वहाँ आपको दिखा रहा है इन प्रोग्रेस, तो वो पैसा कल से आज तक अभी तक आपको ना बैंक में गया है ना ही तो आपके वॉलेट पे वापस आया है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आपका पैसा फंस गया, ठीक ना। ऐसा हमारे बहुत ऐसा दोस्तों के कॉल आया है और मैसेज के माध्यम से पता चला है। तो देखिए दोस्तों, जो पैसा इन प्रोग्रेस है वो पैसा नहीं फंसा है, आपको वो पैसा रिफंड वॉलेट पे कर दिया जाएगा या वो पैसा आपको बैंक मूव टू बैंक आपको बैंक में सक्सेस कर दिया जाएगा। तो एक समस्या का आपका समाधान हो गया कि जो पैसा आपका फंसा हुआ है इन प्रोग्रेस में वो पैसा आपको बैंक जाएगा या रिफंड आपके वॉलेट पे आ जाएगा, जहाँ से आप फिर से मूव टू बैंक कर लीजिएगा तो वो आपको पैसा सक्सेस हो जाएगा, वॉलेट या बैंक, बैंक तो जाना वो पैसा मान लीजिए सेफ है। लेकिन जो 6 तारीख से पहले का पैसा वॉलेट पे आपका है, जो पैसा मूव टू बैंक नहीं हो रहा है और जब आप वहाँ मूव टू बैंक करने जाते हैं तो आपको OTP डाल के कन्फर्म करते हैं तो आपको वहाँ बताया जाता है कि आपका पैसा वहाँ 00 है, जो आपको मूव करने वाले सेक्शन है वहाँ 00 बता, मतलब इसलिए वहाँ बताया जा रहा है कि आपके उसके अनुसार आपको ये पता चल जाता है कि हमारे वॉलेट पे पैसा है ही नहीं। लेकिन हमारे वॉलेट पे पैसा है, हम आपको दिखाएंगे। और आपको कोई भी समस्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है तो मैं अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, आप हमें कॉल करके समझ सकते हैं। विशेष जानकारी हम आपका नहीं लेंगे, ठीक है, और आप अपना पर्सनल जानकारी हमें दीजिए अभी मत, ठीक है। लेकिन कोई ऐसे समस्या से समाधान पाने के लिए कुछ पूछना है तो उसके लिए हम नंबर दे रहे हैं, पूछ लीजिएगा। तो आपका पैसा जो 6 तारीख से विड्रो किए थे वो पैसा आपका मूव टू बैंक हो जाएगा, अगर प्रोग्रेस में है तो वो पैसा आपको चार्ज कट के 5 रुपया IMPS दिखा रहा है लेकिन बैंक नहीं गया, लेकिन वो पैसा आपके लिए बेफिक्र रहिए, वो पैसा आपको बैंक या वॉलेट पे आ जाएगा, ठीक। अब बचा जो 5 तारीख से पहले का पैसा आप विड्रॉल किए हुए वो पैसा, तो वो पैसा कुछ लोगों का ना ये पैसा मेरा यस बैंक में कहीं चला गया हो। देखिए आपको हम बता देते हैं कि 5 तारीख तक यस बैंक से टाइप था पे नियर बाय, 6 तारीख से इंडसइंड बैंक के साथ जुड़ा है। तो अगर 5 तारीख का पैसा जो भी विड्रॉल किए थे उसके बारे में कंसल्ट होगा यस बैंक से, पे नियर बाय टू यस बैंक, वो अपना मैनेज करेंगे, उसके बाद वो आपका पैसा फ्री कर दिया जाएगा, मूव टू बैंक की जगह आपका बैंक में आ जाएगा, ठीक ना। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा मैं अपने वॉलेट पे जाके कि मेरा पैसा 5 तारीख से पहले का जो है, 6 तारीख से पहले का 5 तारीख 4 तारीख वो पैसा क्यों नहीं मूव हो रहा है, वो क्या लिख रहा है, सब हम आपको दिखा देंगे, वीडियो देख लीजिएगा। तो समस्या कुछ नहीं है, किसी का 10,000 है, किसी का 1 लाख है, किसी का 2 लाख है, पैसा के लिए आप बेफिक्र रहिए, सब पैसा सेफ है, मूव टू बैंक हो रहा है, अगर न भी हो रहा है तो मूव टू बैंक हो जाएगा और जो पैसा इन प्रोग्रेस है वो सेफ है, वो भी वो क्लियर हो जाएगा। सिर्फ 5 तारीख वाले लफड़ा चल रहा है कि 5 तारीख 4 तारीख वाला पैसा मेरा मूव टू बैंक नहीं हो रहा। तो आइए हम आपको वॉलेट पर ले चलते हैं और वहाँ दिखाते हैं कि क्या क्या समस्या आता है। और मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो हमारा जरा सा भी अच्छा लग जाए ना तो लाइक कर दीजिएगा और इच्छा करे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा बेल आइकन दबा करके। तो दोस्तों आपको हम पे नियर बाय एप्लीकेशन में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह का संकट है।
ये जो हमारा अमाउंट है ये हमारा 5 तारीख को ट्रांजेक्शन किया हुआ अमाउंट है, ठीक ना। इस वाले वॉलेट पे 6 तारीख को जो भी ट्रांजेक्शन हुआ, 7 तारीख को जो भी हुआ, वो सब पैसा मूव टू बैंक हो गया है, ठीक ना। और न भी हुआ है, एक अमाउंट है मेरा 15,000 जो कल हम मूव टू बैंक किए थे, वो इन प्रोग्रेस में चला गया था, वो पैसा अभी भी क्लियर नहीं हुआ है हमारा, ठीक। उसके अलावा ये पहले का जो 10,000 हम किए थे 5 तारीख को पैसा, वो पैसा मूव टू बैंक नहीं हो रहा। तो आइए हम देखते हैं क्या लिखा रहा है और इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए हम यहाँ से 10,000 रुपया मूव टू बैंक कर रहे हैं, यहाँ अमाउंट डाले, यहाँ मूव टू बैंक क्लिक करते हैं और यहाँ OTP डालने को कहा जा रहा है। तो चलिए हम OTP यहाँ डालते हैं। तो चलिए फिर से आप देख लिए क्या लिखा था, फिर से हम OTP डाल रहे हैं और चलिए हम नीचे क्लिक करते हैं यहाँ वेरीफाई पे। तो वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद इस तरह का लिखा आ रहा है और यहाँ से कंफर्म हमें कहा जा और यहाँ OTP एक्सपायर बता रहा है जबकि OTP सही। तो चलिए फिर से हम OTP भेजते हैं रिसेंट और क्या लिख रहा है और हम आपको बताएंगे कि ये पैसा विड्रॉल क्यों नहीं हो रहा है और दूसरा अमाउंट फिर से हम ट्रांजेक्शन करके बताएंगे। तो चलिए फिर से समय एक्सपायर होने देते हैं, फिर से OTP हम ले रहे हैं। तो आप फाइनल कुछ देर पहले यहाँ देखे थे जो लिखा आ रहा था अमाउंट 00, तो उसका मतलब ये हो रहा है कि आपके वॉलेट पे मूव टू बैंक करने के लिए अमाउंट नहीं, बट मेरा 10,000 है। लेकिन ये एरर इसलिए है कि ये अमाउंट जो है मैंने 5 तारीख को विड्रॉल किया था और ये जो बैंक है इंडसइंड बैंक, ये इनका कहना है कि हमारे साथ आपका कोई 10,000 आप हमारा साथ आपसे कोई लेन देन नहीं हुआ है, लेकिन ये पैसा तो 5 तारीख का लेन देन हुआ था यस बैंक के साथ, ये अमाउंट हमारा क्लियर करेगा यस बैंक। जब तक यस बैंक से हमें कोई मैसेज नहीं आ जाता जब तक रुकेंगे, उसके अलावा हम फिर OTP डाले हैं दोबारा। तो यहाँ प्लीज़ ट्राई आफ्टर 5 मिनट बोल रहे हैं, यानी बोल रहा है कि 5 मिनट के बाद आप ट्राई कीजिए। तो आप समझ गए होंगे कि क्या एरर है। तो आप देख लीजिए कि हम यहाँ से चलिए बैक आ जाते हैं, यहाँ मेरा 10,008 रुपया पड़ा हुआ है, लेकिन मूव टू बैंक जब हम करते हैं तो बताया जा रहा है कि 00 अमाउंट है। वो इसलिए क्योंकि हम 5 तारीख को लेन देन किए थे अपना, जो पैसा हमारा यस बैंक के साथ ये 10,000 हमारा जुड़ा हुआ है, ये पैसा हमारा यस बैंक क्लियर करेगा एक दिन दो दिन जैसे क्लियर होगा वैसे हम वीडियो बना के आप सभी को बता दूंगा। लेकिन हमें क्या करना है कि इस 10,000 के लिए हमें कोई घबराहट नहीं करना है क्योंकि ये हमारा क्लियर होगा यस बैंक के साथ, ये हमारा 10,000 रुपया जुड़ा हुआ है तो हमारा ये पैसा यस बैंक क्लियर करेगा। और अभी जो भी पैसा वॉलेट पे हो रहा है 6 तारीख का काम, 7 तारीख का या आज 8 तारीख का काम होगा, ये पैसा हमारा इंडसइंड बैंक क्लियर करेगा। तो आप समझ गए होंगे कि जो भी पैसा अभी क्लियर होगा इंडसइंड बैंक क्लियर करेगा और ये 10,000 पहले का जो पैसा है वो यस बैंक हमारा क्लियर करेगा, ठीक। अब आइए हम फिर से विड्रॉल करके देखते हैं, 10,008 रुपया है लेकिन हम अभी विड्रॉल करते हैं और देखते हैं ये पैसा हमारा क्लियर होता है या नहीं होता है। तो चलिए यहाँ मैं अपना आधार नंबर डाल देता हूँ और यहाँ क्लियर करता हूँ, चलिए कुछ पैसा और विड्रॉल होता है वो जाता है हमारे मोटू बैंक अकाउंट में या नहीं जाता है देख लेते हैं। तो यहाँ फाइनली हम प्रोसेस पूरा कर लिए हैं और यहाँ 500 रुपया अमाउंट हम अपने स्टेट बैंक से निकालने के प्रोसेस किए हैं। चलिए हम OTP ऑन कर लेते हैं और OTP ऑन करने के बाद हम फिंगर लेंगे और देखते हैं वो पैसा हमारा मूव टू बैंक हो रहा है या नहीं। चलिए OTP मेरा ऑन हो गया, अब चलते हैं स्कैन फिंगर पे। और सॉरी, यहाँ बताया जा रहा है कि आपका MobiGen चल रहा है, इसके लिए हम फिंगर नहीं काम करेंगे। अच्छा, देख लेते हैं MobiGen चालू ही है और मेरा फिंगर एक्सेप्ट होता है या नहीं देख लेते हैं। ओ सॉरी भाई, आप लोग कॉल अभी नहीं कीजिए, एक सेकंड आप लाइन पर ही बने रहिए, देखते हैं फिर क्या होता है। अच्छा चलिए MobiGen हम बंद करके वीडियो कर, तो चलिए हम अपने यहाँ फिंगर लगाते हैं और फिंगर लगाने के बाद आप देखिए कि यहाँ प्लीज वेट लिख रहा है हमारा यहाँ से वीडियो होता है या नहीं, अगर हो भी जाता तो मूव टू बैंक हो रहा है या नहीं। तो थोड़ा देर आप देख ही लीजिए वीडियो, पूरा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देख रहा है कि 500 रुपया हमारे अकाउंट से ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल निकल गया और यहाँ शेष बैलेंस 210 बता रहा है। अब चलिए हम यहाँ आते हैं ट्रेड बैलेंस पे। तो यहाँ 10,508 रुपया, 10,000 पहले से था, 508 रुपया अभी दिख रहा है अलग से, यानी 500 बढ़ गया। तो चलिए हम यहाँ से 500 रुपया निकालते हैं, यानी उसका चार्ज कट के 495 चार्ज काटेगा। तो चलिए हम 500 रुपया यहाँ से मूव कर रहे हैं। तो 500 रुपया मूव करने के लिए हम क्लिक किए और OTP डाले और OTP हम फिर से ले रहे हैं। हाँ
तो दोस्तों हम यहाँ ओटीपी डालते हैं और यहाँ कंफर्म करते हैं और यहाँ ओटीपी एक्सपायर हमारा बता रहा है। तो चलिए फिर से टाटा फोन में, तो चलिए आप देख रहे हैं कि हमारा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल बता रहा है यहाँ और अमाउंट मेरा 500 रुपया कट भी गया। जैसे 10,800 रुपया पहले से था, 500 विड्रॉल किए, जो 500 रुपया मूव टू बैंक किए तो 500 हो गया। लेकिन ये 10,000 क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये 10,000 हमारा यस बैंक से टाई अप है। ये 10,000 हमारा यस बैंक क्लियर करेगा, जो अभी सर्विस बंद है यस बैंक का, चालू होगा उसके बाद हम मूव टू बैंक करेंगे, तो ये 10,000 हमारा यस बैंक क्लियर कर देगा। लेकिन उसके बाद अभी जो भी विड्रॉल कर रहे हैं ये हमारा इंडसइंड बैंक से क्लियर कनेक्ट है पे नियर बाय, तो हमारा पैसा अभी जो भी क्लियर हो रहा है तो इंडसइंड बैंक क्लियर कर देता है। तो 500 रुपया हमारा मूव टू बैंक हो गया। चलिए मनी ट्रांसफर रिपोर्ट चेक कर रहे हैं, चार्ज IMPS कट गया है 5 रुपया, उसके बाद हमें 495 रुपया अकाउंट में आ गया है। और चलिए हम अकाउंट भी आपको दिखा देते हैं कि हमारे अकाउंट में पैसा आया या नहीं। तो ये रहा हमारा बड़ौदा का एम कनेक्ट प्लस, यहाँ से हम अपना मिनी स्टेटमेंट आपको दिखाते हैं और आपको पूरा जो भी कन्फ्यूजन है सब दूर कर देते हैं। यहाँ रहा मेरा स्टेटमेंट मिनी, और थोड़ा देर और आप समय दे दीजिए क्योंकि 1 मिनट से कम ही समय लेंगे और वीडियो आपको पूरा फाइनल बता देते हैं। जो भी कन्फ्यूजन है आपका सब दूर हो